अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एरोसमस में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए जिनका डोमेन हेल्थ प्लांट हेल्थ पीपल या क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एसिलेटर साइंस रिलेटेड है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एरोसमस में बहुत से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, तो ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जैसे लाइक क्लीन एनर्जी या एसिलेटर साइंस, उसमें जनरेशन ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट लाइट पल्सेस एंड एसिलेशन और क्लीन एनर्जी, उसके ये सारे प्रोजेक्ट्स गिवन है लाइक इवेंट एवरेस्ट एंड टाइम रिजॉल्व यूजिंग मैग्नेटिनस ने एक्सरे स्कैटरिंग ओपनिंग अ न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है ये तो हर बंदा देख सकता है, लाइक हेल्थ प्लानेट हो गया, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हो गई, और इसमें आपको डिपार्टमेंट कैसे देखना है इज लाइक स्ट्रक्चर आ गया, केमिकल आ गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल आ गया, तो इसमें कैसे अप्लाई करना है बहुत ही सिंपल है। इस पे अप्लाई करना, इस पे आप क्लिक किया, आपका फॉर एग्जांपल आप एसिलेटर साइंस से रिलेटेड है, आपने इस पे क्लिक किया, इस पे आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट्स में क्या क्या करवाना है, इसका एम क्या है, क्योंकि ये बहुत फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें अप्लाई करना है, इसके सीवी इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अकॉर्डिंग टू इस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि ये लंड यूनिवर्सिटी है, ये यूरोप वाली साइड है, लंड यूनिवर्सिटी या यूरोप या यूके में जो भी यूनिवर्सिटी है ये भी लंड यूनिवर्सिटी से, और ये वाली भी, ये सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ के, ये प्रोफेसर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जो सुपरवाइज करेंगे आपको। बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सीन है इसमें अप्लाई करने का, क्योंकि प्रोफेसर का प्रोजेक्ट है और ये एरोसमस प्रोजेक्ट्स हैं, तो मतलब फंडिंग तो बहुत ज्यादा होती है इसमें लाइक। तो आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये कौन सा डॉक्टर है, स्टूडेंट फिजिक्स, जो स्टूडेंट फिजिक्स से डोमेन है जिनका, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एसिलेटर रिलेटेड प्रोजेक्ट में। इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या आपको करना है, उसके रेफरेंस लिखे हुए हैं, ये क्या ऑफर करेंगे इस यूनिवर्सिटी से, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी से, वर्क एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मेन चीज है, ये आपको एड करनी है अपनी सीवी में, अगर आपको सिलेक्शन के लिए लाइक आपको सिलेक्ट होना है तो आपको ये चीज देखनी होगी कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है कि कितने पीरियड्स का है, चार ईयर्स का है ये प्रोजेक्ट, और इससे रिलेटेड है ग्रेजुएट कोर्स, ये सारी चीजें, वर्क ड्यूटीज कैन इंक्लूड टीचिंग अदर डिपार्टमेंट ड्यूटीज मैक्सिमम ऑफ 20% टीचिंग की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनके लिए, नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड थीसिस प्रोजेक्ट, आपको नॉलेज होनी चाहिए, गुड रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके पास, वेरी गुड ओरल एंड रिटन लाइक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आपको सही होनी चाहिए, एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंट इनटू फार्मूला एंड ट्रैकल रिसर्च प्रोग्राम, आप अकेले काम करना जानते हो, अदर एक्सपीरियंस रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट सच एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो कहने का ये मकसद है कि आपके पास इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अच्छा खासा एक्सपीरियंस, मैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने काम किया हो और उससे रिलेटेड वर्कशॉप या जो भी चीजें आपने की है वो आप सीवी में ऐड करेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसकी बहुत ही ईजी है, मतलब कि स्वीडन का नॉन रेजिडेंट है, स्वीडन में ना रह रहा हो मोर देन 12 ईयर्स ऑफ पीरियड्स, वहाँ का ना हो, एशियन कंट्रीज या किसी भी कंट्री का हो मगर वहाँ का ना। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, सीवी यूरो पास फॉर्मेट जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे वो बनानी है, उसके लिए कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, 2 पेज ऑफ कवर लेटर ये आपको कैसे बनाने, ये प्रोजेक्ट आपने देखा आपका जो टॉपिक है जो ऊपर लिखा हुआ है एसिलेटर, आप क्या करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आप जाएंगे चैट जीपीटी पे, वहां पे आप जाके वहां पे आप लिखेंगे कि इसका कवर लेटर बना के दें, जस्ट फॉर्मेट के लिए, जस्ट आइडिया लेने के लिए आपको करना है, वो ही सबमिट नहीं करना आपको, आपने आइडिया ले लिया भाई वो कैसे बनाया उन्होंने, इसमें क्या क्या ऐड किया है, सिंपल अपनी वर्डिंग में वो ग्रामरली से सारी चीजें चेक करके, क्योंकि इससे ही जो है ना आपकी सिलेक्शन होगी, यूरोपा सीवी और कवर लेटर, इंटरेस्ट इन पोजीशन, हाउ इट मैचेस योर क्वालिफिकेशन एज वेल एज प्रायोरिटाइजेशन के तहत अप्लाइंग टू सेवरल प्रेजेंट पोजीशंस, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी होगी कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है कवर लेटर। उसके बाद एटलीस्ट वन रेफरेंस लेटर, एक आपको पास रेफरेंस लेटर होना जरूरी है, सही है, इवन ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, 3 प्रोफिशिएंसीज होनी चाहिए आपके पास, लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट होता है वही आप ऐड कर रहे हैं, मिनिमम B2 लेवल का होना चाहिए, कॉपी ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग मार्क्स फॉर ऑल कोर्सेज, ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा इंग्लिश, मतलब जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट हैं, बैचलर मास्टर्स, तो वो आप सारी यहाँ पे अपलोड करेंगे, एनी डॉक्यूमेंट्स अंडर टू व्हिच यू लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, रेफरेंस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब आपको क्या करना है,
ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सिलेक्शन तो इतनी आसानी से होती नहीं है, तो इसके लिए रिकमेंडेशन भी आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनवाना होगा, प्रोफेसर साइन एस्टिम करवाना होगा, और ये सारी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनवानी होगी। जो स्टेटमेंट होती है सीए में वो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनानी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोड ए पीडीएफ इन द जॉब एप्लीकेशन पोर्टल, एग्जाम सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द पेपर शुड बी स्कैन ऑन फोटोग्राफ बिफोर अपलोडिंग। इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है सिंपल। ये इनकी लाइक कॉन्टेक्ट डिटेल है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए अप्लाई का ऑप्शन है सिंपल। आप इस पे क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे, उसके बाद आप वो सारी चीजें अपलोड करेंगे, तो सही हो गया। ये इनकी डिटेल भी गिवन है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो सिंपल इसके लिए नहीं, ये हर प्रोजेक्ट के लिए यही सीन है। जैसे ये फिजिक्स से रिलेटेड है, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, हेल्थ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और हेल्थ प्लांट से रिलेटेड है, ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट में अंदर जाएंगे आप, जाने के बाद अपना प्रोजेक्ट चूज करें जो आप से रिलेटेड है, वाटर ट्रीटमेंट मटेरियल हो गया या जो भी आपका है, उसमें जाएं आप, उसकी चीजें देखें कि उसमें क्या क्या उन्होंने मांगा हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ड्यूटीज हैं, उसके हिसाब से आप कवर लेटर बनाएं, सीवी बनाएं। अगर आपने बिल्कुल ए टू जेड उसके हिसाब से बनाया है, उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो आपकी सिलेक्शन 100% होगी। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, अगर आपके पास सीजीपीए कम है, अगर आपके कोर्सेज कम है, तो आप कोर्सेज इससे रिलेटेड कर लें, इससे रिलेटेड ऐड कर लें उस सीवी में, और सारी चीजें उससे रिलेटेड ऐड करें, जो एज लाइक स्किल्स हो गए, दूसरी चीजें सॉफ्टवेयर हो गए, वो भी उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप ऐड करके आप सबमिट करें एप्लीकेशन। तो ये सिंपल एरास्मस का लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस था, एप्लीकेशन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट्स के लिए, हेल्थ प्लांट्स, पीपल, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल, और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी सिलेक्शन इजीली हो जाएगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।